सरकार में मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, तेज तर्रार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल लोणीकर जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले ये विशाल युवा रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो आयोजित की है और उसमें आप हजारों की संख्या में उपस्थित है, उन सब युवाओं का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जिन युवा कार्यकर्ताओं ने इसके लिए मेहनत की, परिश्रम किए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, युवा मोर्चा में हमारे युवा कार्य करते हैं। हमारा युवा ये आज का नहीं, कल का नहीं, आज का नागरिक है और आज युवा चाहता है उसके लिए रोजगार मिले, युवा चाहता है उसके लिए शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, युवा चाहता है उसको विकसनशील देश में रहने के अवसर मिले। और जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बदलाव किया है उसका अनुभव पूरा देश ले रहा है। एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, हमारे युवा, अपने बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज परिस्थिति में यह बदलाव आया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम गरीबी को हटाएंगे। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो हटी नहीं पर गरीब हट गए। उस समय उन्होंने 20 कलमी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की और उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब बाद में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर देश का विकास नहीं हुआ, देश कर्जे के बोझ में डूब गया। एक ऐसी सरकार दिल्ली में थी जिसको आंखें थी पर दिख नहीं रहा था, जिसको कान थे पर सुन नहीं रही थी, जिसको मुंह था पर जो बोल नहीं पा रही थी। ऐसी एक गुंगी बहरी सरकार मनमोहन जी के रूप में, मनमोहन सिंह जी के रूप में दिल्ली में थी। मुझे विश्वास है कि उस समय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अवसर दिया और लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। आप पूरे देश का कांग्रेस के 65 साल और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में किए हुए कार्य की तुलना करिए। कितने पोर्ट्स बने हैं, कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने रेलवे स्टेशन बने हैं, कितने हाईवेज बने हैं, हर जगह पर आप जाकर देखिए, एक काफी बड़ा बदलाव आप सबको देखने के लिए मिल रहा है। आज कोई हम पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में नहीं कह रहे, पर नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हमारे देश की 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे से जो थी वो ऊपर आई है। आज उनको सही में हमारे फुटपाथ पर जो दुकान चलाने वाले करीब 80 लाख लोगों को हमारे बैंकों ने ऋण दिया है, 4.5 करोड़ लोगों ने बैंकों में
अकाउंट खोला है और इतना ही नहीं तो उनके क्रेडिट के आधार पर उनको कर्जा मिल रहा है। हमारे यहां युवाओं को पता होगा कि देवेंद्र जी और मैंने नागपुर में मिहान प्रकल्प शुरू किया, तब शरद पवार साहब कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे थे, इसके खिलाफ ये न हो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। पर आज मिहान में देश की नहीं तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आई और विदर्भ के 68,000 लोगों को रोजगार मिला है, ये आज की परिस्थिति है। हम ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण करने जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, जहां युवा स्वाभिमान से जी सके, जहां युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, देश में अच्छे रास्ते होंगे, देश में अच्छे अस्पताल होंगे, देश में अच्छे यूनिवर्सिटी होगी, देश में अच्छे महाविद्यालय होंगे और देश में अच्छे स्कूल होगी। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको आयुष्य योजना में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिला है। कैंसर के रुग्ण हो, हार्ट के रुग्ण हो, अब तो ट्रांसप्लांटेशन की बात है, सबको सहयोग मिल रहा है। विदर्भ के इस पूर्व विदर्भ के क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का समाज है, 70-80% लोगों को सिकल सेल और थैलेसीमिया की बीमारी है, बोन मैरो करने की आवश्यकता है। हमने हमारे यहां देवेंद्र जी ने जगह दी, उस समय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मोदी जी ने हमको एम्स दिया और विदर्भ के दलित और वनवासी आदिवासी बंधुओं को जो सिकल सेल थैलेसीमिया की बीमारी है उसको दूर करने के लिए एक स्पेशल सेक्शन खोलकर हम उनके ऑपरेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। आज विदर्भ में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं सिंचाई मंत्री था, उनके कहने पर मैंने करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए जो महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्प थे जो बंद पड़े थे उसको फिर से पूरा करने के लिए उनको पैसे दिए। पश्चिम महाराष्ट्र में टेम्बू हो, महिसाल हो, यहां जब जब प्रोजेक्ट बंद पड़े थे 20-20, 25-25 साल से, मराठवाड़ा के, विदर्भ के, पश्चिम महाराष्ट्र के, उन प्रकल्पों को हमने पूरा किया और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया। बहनों और भाइयों, स्मार्ट सिटी नहीं, अब स्मार्ट विलेज भी बन रहे हैं। गांव में अच्छी स्कूल होगी, गांव में अच्छा अस्पताल होगा और गांव के युवाओं को गांव में रोजगार मिलेगा, किसानों को उनके फसल के सही दाम मिलेंगे और किसानों की अगर परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो गांव की इकोनॉमी गतिशील बनेगी। और अगर हमको इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार अगर बढ़ाना है तो 4 बातों की जरूरत है, पानी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। बहनों और भाइयों, हमारे यहां मेट्रो आ गई, नवाई हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है, 550 स्टेशन बन रहे हैं, अब तो आप जहां जाएंगे वहां 4 लेन सीमेंट कंक्रीट के रोड मिल रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके सामने भी सीमेंट कंक्रीट रोड बन रहा है, उसमें आगे अमरावती रोड जाएंगे तो फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं तो अभी ऐसा हूं कि अभी मुझे एमपी बताते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश में था, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या मांगे, अभी कुछ मांगने के लिए रहा नहीं, जितना था उतना आपने सब दे दिया है। ये देश बदल रहा है। हम देश में पहली बार मोदी जी ने यह तय किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था आने वाले 5 साल के अंदर बनेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा और हमारे देश में हमारा जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा। केवल ऊर्जादाता नहीं रहेगा तो बिटुमिन डाम्बर बनाएगा और केवल डाम्बर नहीं बनाएगा, अब तो किसानों ने हवाई ईंधन भी तैयार करना शुरू किया है जिसके ऊपर हवाई जहाज चलने वाले हैं। 16 लाख करोड़ का हमारा
पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम होगा और हमारे गांव के किसान, इसमें निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगी, उनका विकास होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, बस आई, कार आई, पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका अगर कारण कोई है तो सही नीति और सही नेता, यही कारण है। आपने कांग्रेस को आजमाया है, सोनिया गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, ये परिवारवाद की जनरेशन हमने देखी है। झूठे वादों के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला, पर आज देश तरक्की की तरफ जा रहा है। युवाओं के हाथों को रोजगार मिल रहा है, किसानों के खेत को पानी मिल रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। अब गांवों में भी जाने के लिए सीमेंट कंक्रीट के रोड बन रहे हैं। ये सब इसीलिए हुआ कि इसका श्रेय भारत की जनता को है। अगर आप कांग्रेस को नहीं हटाते और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं लाते तो ये परिवर्तन होना संभव नहीं था। ये भारत की जनता ने जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत की जनता को एक सस्टेनेबल जीवन दिया है, एक सुसह्य जीवन दिया है। आज वर्ल्ड में चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबको, हमारे उनके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में रोड होना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, गांव में प्रगति और विकास होना चाहिए। आज भारत की जनता की हमने अपेक्षा पूरी की और इसीलिए जनता ने हमको बार बार चुन कर दिया। हम किसी के मेहरबानी से और कृपा से नहीं चुन कर आए। जो काम किया था, जो कहा था, वही हमने बोला है, जो बोला है वही हमने किया है, और जिसके कारण जनता ने हमको समर्थन दिया है। मेरे युवा साथियों, एक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। अभी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनेंगे ही 3-4 साल में, पर हम सबको, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर एक की महाशक्ति बनाना है। हमारे देश को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त करना है। हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर सब सुविधाएं हमारी जनता को दिलानी है। और ये उसी समय संभव होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार आएगी तो बहुत जल्दी ये साध्य पूरा हो सकता है। और इसलिए आप सबको गांवों में जाकर, लोगों को जगाकर, उनके मन में ये विश्वास पैदा करना है कि आपके भविष्य को बदलने की ताकत अगर किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आपके भविष्य को बदलने की ताकत किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, और यही विचार लोगों तक ले जाने की आप सबकी जिम्मेदारी है। आप बहुत बड़ी संख्या से उपस्थित है, इसी संख्या के साथ आपके गांव में यही संदेश को लेकर आने वाले चुनाव में हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, सब जगह पर हमारे एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो, ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आज डाली गई है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट किए हुए कामों की उपलब्धि उनको बताइए। जो लाभार्थी है, जिनको रेशन का अनाज मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, जिनके स्वास्थ्य के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको ये बताइए कि ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसके कारण हुआ है। मेरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से एनडीए के रूप में 400 ये संख्या पार करेंगे, संख्या पार करेंगे। हमने वचन दिया था राम मंदिर बनेगा, बन गया।
हमने वचन दिया था 370 रद्द होगा, रद्द हो गया। अब हमने वचन दिया है कि हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ, इस संदेश को लेकर आप आपके गांव में क्रियाशील होइए, कार्य करिए, लोगों को बताइए और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में जिताकर, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लाने के लिए परिश्रम करिए। यही आप सबको आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।